तो हाय गाइस, क्या हाल है? सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो ना यार तुम सब? रोज़ भाई केस पड़ रहे हैं 8-9 हज़ार। सब सही रहना भाई, और घर में ही रहो अगर कोई बाहर ज़्यादा काम नहीं है तो। सबके लिए सबसे अच्छा वही है इस टाइम। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो कम से कम थोड़ी गेमें खेल के ही मर लो। आज हम बात करते हैं PS5 के बारे में। अब तुमने इतनी अनाउंसमेंट्स देख ली होंगी PS5 और उसके वो एक कंट्रोलर की, और इतनी हाइप उसकी बना चुके हैं लोग कि आने ही वाला है वो। बस जब भी कोई नया प्लेस्टेशन या कोई भी कंसोल लॉन्च होता है, उसके रेट इंडिया में खासकर बहुत ही तेज़ होते हैं, तो तुम्हें वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपना प्लेस्टेशन, जो कि एक स्पेशल एडिशन गोल्ड कलर वाला था, वो मैंने सस्ते में कैसे खरीदा PS4, और तुम्हें PS5 आते ही लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, मैंने ये अपना PS4 गोल्ड वाला जो था, ये लिमिटेड एडिशन निकला था थोड़े टाइम के लिए, और मैंने इसको लगभग 3 साल पहले लिया था। मैंने ये ख़रीदा था लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये के बीच में, और वैसे मैंने ये ख़रीदा नहीं था, मेरा एक दोस्त गया हुआ था दुबई और मैंने उसे बोला था तो वो ले आया था। और 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पे प्लेस्टेशन का रेट पता किया था, जो कि स्पेशल एडिशन भी नहीं था, सिंपल ब्लैक कलर, यहाँ पे 27,000 27,000 रुपये का मिल रहा था। अब मैं तुम्हारे को एक और बात बता दूं कि उस 27,000 में तुम्हारे को सिर्फ एक कंट्रोलर साथ में मिल रहा था, मेरे को 22,000 में दो कंट्रोलर मिले थे, प्लस वो एक स्पेशल एडिशन वर्जन था, और जो सिंपल ब्लैक कलर था वो उससे शायद 1,000 रुपये या कुछ सस्ता था। तो तुम लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं क्या रिकमेंड करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि प्ले स्टेशन अगर तुम बाहर से ले सकते हो तो बहुत ही सही है। तुम्हारे को इनिशियली इतनी डील्स मिल जाएंगी कि तुम काफ़ी सस्ते में प्ले स्टेशन ला सकते हो। इंडिया में कोई भी डील या कोई भी ऑफर, अगर उस पर लगता भी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जहाँ तक जब मैं देख रहा था, ऑफर्स प्राइस कम करने पे नहीं थे, उसके साथ थोड़ी सी गेम्स वो फ्री दे देते हैं, 2 या 3। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ये मैंने दुबई में एक मॉल से लिया था, तो अगर तुम बाहर किसी मार्केट से लेते हो सकता है उधर तुम्हें और भी सस्ता मिल जाए। क्योंकि मैंने अपने दोस्त से मंगवाना था तो मैंने उसे सीधे एक दुकान का नाम बताया और वो वहाँ से बस उठा लाया। सो अगर तुम US या कहीं भी बाहर जा रहे हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है प्ले स्टेशन ख़रीदने का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 100% वहीं से ख़रीद लो, तुम्हारे को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि प्ले स्टेशन 5 इससे तो काफ़ी महंगा ही आएगा, उसका रेट 35-40 हज़ार के बीच में तो होगा ही होगा, और अगर तुम वो बाहर से ख़रीदोगे तो वो तुम्हें काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। अगर तुम ये बाहर से नहीं ख़रीद सकते और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो एक चीज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि थोड़ा टाइम अगर तुम इसके लिए रुक सकते हो तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कोई ना कोई डील तो लग ही जाएगी। बस ये है कि तुम्हारे को प्राइस बार बार चेक करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं कि तुम्हारे को प्ले स्टेशन 5 में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसे ही वो लॉन्च होता है। सो जो इनिशियल वर्जन होता है उसमें हमेशा से ही कोई ना कोई इश्यूज निकलते हैं, हीटिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो वो हमेशा उसका एक स्लिम वर्जन निकालते हैं जो कि ओरिजिनल प्लेस्टेशन से सस्ता होता है। और अगर ये सब तुम हटा भी दो तो जब प्लेस्टेशन 5 लॉन्च होगा उसकी कलेक्शन इतनी बड़ी नहीं होगी अगर बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नहीं है और उसकी एक्सक्लूसिव गेम्स इतनी नहीं बनी होंगी। और तो और जब भी कोई नई गेम या नया कंसोल रिलीज़ होता है, उस नए कंसोल की सारी गेम्स इनिशियली काफ़ी महंगी आती हैं। सो प्ले स्टेशन 4 की अब जो गेम्स है वो $60 पर आती हैं, लगभग 4,000 रुपये, और PS3 की जब गेम्स आती थी वो इससे थोड़े कम प्राइस पर लॉन्च होती थी। सो अगर तुम्हारे पास पहले से ही PS4 है और तुम वेट कर सकते हो तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, और तुम्हारे को कोई जल्दी नहीं है PS5 खरीदने की। सो गाइज, ओवरऑल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि PS5 के लिए तुम रुक सकते हो, और अगर तुम्हारे को ख़रीदना है तो तुम बाहर अगर कहीं जा रहे हो तो तब जाके ख़रीद लेना। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2020 में एक चीज़ तो अच्छी होगी, PS5 तो कम से कम बढ़िया आएगा, क्योंकि और तो कुछ खास जा नहीं रहा है आजकल। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम्हारे को ये कंटेंट पसंद आता है और तुम्हारे को ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखनी है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी NFS हीट का अपडेट डाउनलोड हो गया है।